वेलकम टू न्यूज व्यू, मैं हूं फरा यूसुफ। आजकल हर पार्टी अपना इलेक्शन बयानिया तश्कील देने में मसरूफ है। कोई जमहूरियत की जुगनी गाकर वोट की इज्जत मांग रहा है, तो कोई हुक्मरानों की मेगा करप्शन से डरा रहा है, कोई भारी पड़ने का दावा कर रहा है, तो कोई पके हुए फल की तरह किसी और की सियासी टोकरी में गिर रहा है। ये बयानिये नए हैं और ना ही नारे पेश करने वाले चेहरे। अगर कुछ नया है तो वो ये कि मुसलसल दूसरी मर्तबा एक जमहूरी हुकूमत दूसरी को इख्तदार मुंतकिल करेगी, मगर इस मुंतकिली तक क्या कुछ होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की जानिब से गैर जमहूरी मुदाखलत और प्री पोल रिगिंग के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अपने पंजाब मॉडल को लेकर नया सियासी इत्तेहाद कायम करने के लिए कराची में मौजूद हैं, दूसरी जानिब वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी वोट को इज्जत दो के नारे पर इलेक्शन जीतने का अज़्म जाहिर कर रहे हैं, जबकि इमरान खान इलेक्टेबल्स को समेटने में मसरूफ और एक मरतबा फिर सोलो फ्लाइट भरने के मूड में नजर आते हैं। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी को उम्मीद है कि इमरान खान सेनेट की तरह आइंदा भी उन्हें ही वोट देंगे, लेकिन सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से बिलवास्ता इत्तेहाद की गलती या हिकमत अमली को इमरान खान के मुखालफीन खूब कैश करा रहे हैं। इसी को बुनियाद बनाकर इमरान जरदारी भाई भाई के नारे भी लगाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये नारे और बयानिए रिवायती वोटिंग पैटर्न को कितना मुतासर करेंगे? क्या आज का वोटर इतना तवाना हो चुका है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतों का बोझ उठाए पोलिंग बूथ पर पहुंच सके? सवाल यह भी उठता है कि क्या आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए वोट की इज्जत का मतलब वही होगा जो चीफ जस्टिस साहब ने बयान किया है।